आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 14 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने आज देश को बड़ी खुशखबरी दी है। उसने बताया कि COVID-19 के लिए दो देशी वैक्सीन का ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है और यह चूहों और खरगोशों पर इनकी टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल रही है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अध्ययन के आंकड़े देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल DGCI के पास भेज दिए गए हैं, जहां से दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि इसी महीने हमें इंसानों पर प्राथमिक चरण के परीक्षण की अनुमति मिल गई है। दोनों टीकों के लिए परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है और दोनों के लिए करीब 1,000 लोगों पर इसकी क्लिनिकल स्टडी भी हो रही है। डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक और बड़ी बात कही कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 60% वैक्सीन भारत में बनते हैं। यह बात दुनिया के हर देश को पता है, इसलिए वो सभी भारत से संपर्क में है। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि रूस ने भी वैक्सीन ईजाद करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और उसे प्राथमिक चरणों में सफलता भी मिली है। रूस ने टीका विकसित करने में तेजी लाई है, साथ ही चीन भी वैक्सीन तैयार करने में जोर शोर से जुटा हुआ है। वहां वैक्सीन पर बड़ी तेजी से अध्ययन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी दो वैक्सीन पर काम तेज कर दिया गया है। इंग्लैंड भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन कैंडिडेट पर तेजी से काम बढ़ाने की तरफ है। वह इन्हें इंसानों के इस्तेमाल के लायक बनाने को लेकर तत्पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, कोरोना पर कंट्रोल मुश्किल है। हालांकि सामान्य लक्षण वाले मरीजों के लिए कई सारी दवाएं बाजार में आ गई हैं जो असर दिखा रही है। यह अच्छी खबर है। भारत की कई कंपनियां हैं जो कोरोना की दवा लॉन्च कर चुकी हैं और इसके लिए उन्हें ड्रग कंट्रोलर DGCA से मंजूरी मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा ने फेबीफ्लू की कीमत घटाई। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा फेबीफ्लू की कीमत में 27% की भारी कटौती की है। इसके पहले एक टेबलेट की कीमत ₹103 थी, जिसे घटाकर ₹75 कर दिया गया है। फेबीफ्लू का इस्तेमाल कोरोना के माइल्ड एंड मॉडरेट कोरोना मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। बायोकॉन का कोरोना कोर्स 32,000 में उपलब्ध है। पिछले दिनों DGCA ने बायोकॉन की दवा लेटलीजम को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इसका इस्तेमाल मॉडरेट टू सीवियर कोरोना मरीजों पर किया जा रहा है। लेटलीजम एक इंजेक्शन है और एक वायल की कीमत करीब ₹8,000 है। एक मरीज को ठीक होने में 4 शीशी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि यह पहली दवा है जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। वहीं जून के महीने में सिप्ला ने रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन सिप्रमिल दवा को लॉन्च किया था। इस दवा को DGCA से मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति मिल चुकी है। DGCA ने इस दवा को हॉस्पिटलाइजेशन मामले में एडल्ट और बच्चों पर इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह एक इंजेक्शन है। रेमडेसिविर के इस जेनरिक वर्जन की कीमत ₹4,000 प्रति वायल यानी शीशी है। कोरोना काल में टोसिलीजम दवा की जबरदस्त डिमांड है। अभी तक कोरोना के लिए क्लिनिकली अप्रूव कोई दवा नहीं है। हालांकि अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई में हाई रिस्क मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया और परिणाम सकारात्मक रहे, जिसके कारण इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। बाजार में इस दवा की कालाबाजारी हो रही है, जिसके कारण कीमत आसमान छू रही है। वर्तमान में इसे केवल रोची फार्मा बनाती है। यह मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी है। भारत में इस दवा की मार्केटिंग सिप्ला करती है। हेट्रो इंजेक्शन कोविफार की कीमत ₹5,400 है। हेट्रो फार्मा ने रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन कोविफार लॉन्च किया है। DGCA ने हेट्रो लैब्स को कोविफार के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की इजाज़त दी है। कोविफार की कीमत ₹5,400 प्रति शीशी है। इसका इस्तेमाल केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ही किया जा सकता है। इस दवा का इस्तेमाल घर पर रहने वाले मरीजों को नहीं करना है। पूरे कोर्स के दौरान एक मरीज पर 6 इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब कुल खर्च ₹33,000 के आसपास आएगा। म्यान के डेसम की कीमत ₹4,800 है। म्यान एनवी ने सोमवार को कहा कि उसने भी ग्लीड साइंसेस के साथ रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने के लिए करार किया है। कंपनी इसी महीने रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करेगी।
DGCA से इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने कहा कि दवा का नाम डेजर्म होगा, जिसका इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 mg के वायल की कीमत 4800 रुपये होगी। राजस्थान के सियासी संकट के बीच प्रदेश अध्यक्ष और डेप्यूटी CM पद से हटाए गए सचिन पायलट को यूपी कांग्रेस के युवा चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का साथ मिला है। जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के पदों और सरकार से बर्खास्त किए जाने के बाद उनका समर्थन किया है। जितिन प्रसाद ने जिस अंदाज में पायलट का साथ दिया है, उससे ये अटकलें लगने लगी हैं कि वे भी पायलट के अंदाज में ही कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। सचिन पायलट को डिप्टी CM पद और पार्टी रैंक से हटाए जाने के बाद जितिन प्रसाद ने ट्वीट में लिखा है कि सचिन पायलट सिर्फ मेरे साथ काम करने वाले शख्स नहीं, बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। कोई इस बात को नहीं नकार सकता कि इन दिनों उन्होंने पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार सुबह एक 12 साल का लड़का बैंक से 10 लाख रुपए चुराकर फरार हो गया। यह घटना सुबह लगभग 11:15 बजे की है, जब नीमच में जावत की जिला सहकारी बैंक में एक लड़का मास्क पहनकर घुसा। वह सीधे कैश काउंटर के अंदर गया, नोटों के 2 बंडल उठाकर उसने अपनी थैली में डाले और तेजी से वहां से चंपत हो गया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि बैंक कर्मी कुछ भी समझ नहीं पाए। हालांकि लड़के की यह करतूत CCTV में कैद हो गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तैयारी पुलिस से ज्यादा थी। उसने अपनी व्यूह रचना चौतरफा रची हुई थी। हथियारबंद लोगों को सुनियोजित तरीके से तैनात किया गया था। सोची समझी रणनीति के तहत ही तैयारी की गई थी। यह खुलासा गिरफ्तार किए गए शशिकांत उर्फ सोनू पांडे ने पुलिस की पूछताछ में किया है। विकास दुबे ने 5 घंटे में हथियारबंद लोगों को जुटाया और युद्ध जैसी रणनीति के तहत अपने गुर्गों को तैनात कर दिया। शशिकांत की बातों पर यदि भरोसा करें तो विकास ने पहले से ही इस बात की तैयारी कर ली थी कि कोई बचकर नहीं जाएगा। पुलिस पर हमले का नेतृत्व कर रहा विकास अंजाम से पूरी तरह बेखौफ था। विकास दुबे ने भरोसेमंद गुर्गों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी और हर कोने में तैनात कर दिया। पुलिस के इंट्रोगेशन में शशिकांत ने यह भी बताया कि हमले वाली रात कौन किस छत पर तैनात था। विकास दुबे ने अपनी दोनों छतों पर हथियारों से लैस लोगों को लगा दिया था। एक छत पर वह खुद, अमर दुबे, अतुल दुबे, दयाशंकर के साथ असलाहों का जखीरा लेकर मोर्चा ले रहा था। उसकी दूसरी छत से राम से, अखिलेश मिश्रा, विपुल दुबे और 2 अन्य लोग फायरिंग कर रहे थे। शशिकांत के घर की छत पर उसके पिता प्रेम प्रकाश, गोपाल, हीरू, वह खुद और 2 अन्य लोग गोलियां चला रहे थे। मुठभेड़ में मारे गए प्रभात मिश्रा घर की छत पर उसके पिता राजेंद्र मिश्रा, प्रभात मिश्रा, शिवम, बाल गोविंद और एक अन्य व्यक्ति हथियारों के साथ मुस्तैद थे। शशिकांत ने पुलिस को बताया कि JCB गांव के बाहर खड़ी थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश JCB चलाकर लाए थे और अपने दरवाजे पर लगाकर रास्ता रोक दिया था। विकास दुबे ने शशिकांत के पिता प्रेम प्रकाश को फोन किया और कहा कि मामा तैयार रहना, आज पुलिस वालों की लाशें गिरानी है। इसके बाद सभी ने अलग अलग स्थानों से मोर्चा संभाल लिया। नेपाल में असली अयोध्या होने के दावे पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली बुरी तरह घिर गए हैं। अजीबोगरीब दावे को लेकर हर तरफ आलोचनाओं के शिकार हो रहे ओली के बयान पर अब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि इस बयान का राजनीतिक मुद्दे से लेना देना नहीं है। इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बयान का उद्देश्य अयोध्या के महत्व और सांस्कृतिक मूल्य को कम करना नहीं था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली से लगी राज्य की सीमाएं एक बार फिर से सील की जा सकती हैं।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को संकेत दिया कि प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जा सकते हैं। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की दर 75% है, जो बहुत अच्छी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना के कोविड 19 पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जब से पता चला है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद मैं आज 4 बजे तत्काल प्रभाव से क्वारंटाइन में चला गया हूँ। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,20,92,503 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 9,11,629 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 3,13,487 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,73,967 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा अब 23,788 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में 1,05,638 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 48,199 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 24,569 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 19,017, आंध्र प्रदेश में 15,144, उत्तर प्रदेश में 12,972, तेलंगाना में 12,177, पश्चिम बंगाल में 11,279, गुजरात में 10,946, असम में 6,343, राजस्थान में 5,759, बिहार में 5,691, हरियाणा में 4,984, उड़ीसा में 4,929, जम्मू कश्मीर में 4,545, मध्य प्रदेश में 4,336, केरल में 4,028 और पंजाब में 2,388 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से मंगलवार 14 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 15 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।